हेलो फ्रेंड्स दिस इज कंचन वेलकम यू ऑल टू द टुडेज वैकेबलरी टुडेज वैकेबलरीज आर रिलेटेड टू वेलेंटाइंस डे फेमिना मैगजीन से है अगेन एंड इट इज़ एन आर्टिकल ये मेकअप आर्टिकल है बाय एड एन लेट्स रीड इट आउट सो डेट की हम इसमें जो भी वकेबलरी आ रही है उसको समझेंगे ताकि हम अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी उसे यूज़ करेंगे वेलेंटाइंस डे ने आर्ट आइडियाज़ टू ट्राई आउट ट्राई आउट क्या है एक फ्रेजल वर्ब है अगर हमें किसी को ये कहना है कि इसे ट्राई करके देखो क्या पता तुम्हें भी ये सूट करे क्या पता तुम्हारे के अकॉर्डिंग भी ये मतलब तुम्हें भी लगे कि बहुत एप्ट है एप्ट ए पी टी एप्ट भी बता दूँ एप्ट एप्रोप्रिएट के लिए शॉर्ट वर्ड है तुम्हें भी लगे कि एप्ट है तो वाई डेंट यू ट्राई आउट दिस जैसे हम किसी को ऐप ही नया बताते हैं तो कहते हैं ना वाई डेंट यू ट्राई आउट दिस ऐप तो यहाँ ट्राई आउट यूज़ किए हम किसी को वर्क मेथड ही बता रहे हों कोई आइडिया बता रहे हों तो ये कह सकते हैं जस्ट ट्राई आउट try out this it may work wonderfully when it comes to valentine's day prep prep क्या है Preparation का abbreviation है prep तो क्या ये valentine's day prep ही सिर्फ हो सकता है Exam prep नहीं हो सकता वो भी हो सकता है Vacation prep भी हो सकता है And so many. आप इसे यूज करके देखना एंड यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स आल्सो और अपने डेली डेली लाइफ में भी आप देखना कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि कैसा चल रहा है तुम्हारी prep how is your marriage prep going आपको लगेगा कि यहाँ पर तो prep वर्ड हम यूज कर सकते हैं और ऐसे भी इसलिए भी एक से ज़्यादा वर्ड जानना चाहिए सेम पर्पज़ के ताकि वाइल यू राइट या वाइल यू स्पीक आप सेम वर्ड को सम सेम वोकेबलरी को यू सेम वैबलरी को बार बार नहीं बोल रहे हो बल्कि सेम वैबलरी को सेम वोकेबलरी का जो मीनिंग है उसके अलग अलग वोकेबलरी को उस न्यूम्स को यूज़ कर रहे हैं यू कैनॉट फर्गेट टू गेट दोज टेलॉन्स डिटेल्ड यहाँ क्या है टेलोन्स टेलोन्स इज द सिनोनिमस वर्ड फॉर नेल्स जैसे बर्ड्स में पंजे होते हैं और उनके नेल्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं सिमिलरली हमारे भी जो फीमेल में भी नेल्स बड़े बड़े होते हैं और नेल आर्ट करने के लिए उसे बड़ा रखा भी जाता है तो वो भी उसी से इंस्पायर्ड है बर्ड्स के नेल्स से तो यहाँ पर नेल की जगह टैलॉन वर्ड हुआ टी एल ओ एन और पुलुरल हुआ टैलोन्स तो टैलोन्स डिटेल किसी भी चीज़ को अगर हम डिटेल करते हैं तो उसे क्या करते हैं सजाते हैं तो नेल की जगह वी कम टू नो अ न्यू वर्ड टैलॉन दे आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक अप ब्यूटी एंड स्टाइल स्टेटमेंट विदाउट ट्राइंग टू हार्ड तो अगर हमारा टेलोन्स डिटेल होगा ना तो वी लुक डिफरेंट हमारा एक ब्यूटी एंड स्टाइल स्टेटमेंट बहुत अच्छा बनता है बिना हादसा कोशिश किए क्योंकि आ, क्या होता है कि कहीं हम निकल रहे हो तो और उससे उसी वक्त हमें नेल्स को डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती टेलोन्स को डिटेल करने की वो तो हम पहले से भी करके रख सकते हैं और थोड़ा सा भी अगर हम तैयार हुए तो बाहर जा सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा कोशिश किए हम हमेशा के लिए इसे रेडी रहते हैं अगर हमारा टैलोन्स डिटेल रहता है Moreover, there are so many artistic nail art ideas and trends that skipping on sporting a nail look for फॉर वीडे इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्टिक नेल आर्ट आइडियाज हैं ट्रेंड्स हैं जिसको कि स्किप ऑन करना देखो यहाँ पर स्किप ऑन जो है ना स्किपिंग ऑन जिसको कि स्किप skip से स्कीपिंग ऑन तो स्किप ऑन कहती हूँ अगर स्किप ओवर होता तो उसका मतलब होता है स्किप ओवर मतलब किसी चीज़ को इग्नोर कर देना छोड़ देना लेकिन स्किप ऑन है मतलब स्किप करके वहाँ तक पहुँचना उसको कहते हैं डोंट ऑलवेज स्किप ऑन माई प्लान डोंट ऑलवेज स्किप ऑन माई फूड तुम हमेशा उछल के मेरे खाने पर क्यों आ जाते हो मेरी आइडियाज़ पे क्यों आ जाते हो तो स्किप ऑन का मतलब वहाँ तक पहुँचना और स्पिक ओवर होता यू ऑलवेज स्किप ओवर माय आइडिया तो मतलब तुम हमेशा मेरी आइडिया को इग्नोर कर देते हो तो स्किप ऑन और स्किप ओवर स्किप ओवर मतलब छोड़ देना स्किप करना मतलब उसको उसको इग्नोर करना और स्किप ऑन का मतलब उसको स्वीकार करना यहाँ क्या है कि वैसे तो बहुत सारे ट्रेंड्स और आइडियाज़ होते हैं पर स्किप ऑन स्पोर्टिंग कोई भी ऐसे जो नेल लुक है अब देखो टेलोन्स की जैसे फिर यहाँ ने यूज़ किया ना मतलब तो अगर दोनों जगह यूज़ हो जाता है टेलोन्सी तो भी अच्छा नहीं लगता तो नेल वर्ड भी यूज हुआ है टेलोस वर्ड भी यूज़ हुआ है तो अगर आप कोई सीधा ही कोई आइडिया कोई नेल आर्ट आइडिया उसको सीधा स्किप ऑन कर जाओगे उसी पर तो वो हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहाँ पर मैंने दो वर्ड का मीनिंग अभी नहीं समझा है स्कीप ऑन स्पोर्टिंग एस पी ओ आर टी आई एन जी जो स्पोर्ट वर्ड से बना है स्पोर्ट का मतलब होता है पहनना तो सीधा और वियर जैसे कि वेयर स्माइल तो यहाँ जो नेल आर्ट है ना नेल लुक उसको भी स्पोर्ट कर रहे हैं मतलब उसको भी पहना जा रहा है उसको भी खुद में मतलब समाना होता है वो भी पहनने के बराबर होता है जैसे कि वियर स्माइल होता है ना उसी तरह तो डू नॉट ऑलवेज स्किप ऑन स्पोर्टिंग अ नेल लुक ऐसे किसी डिज़ाइन को मत स्पॉट कर लेना स्पॉट के आपको यूज़ बताती हूँ जैसे कि सम वेयर यू कैन सी कि दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी वॉट स्पॉटेड स्पोर्टिंग अ यूनिक हेयर स्टाइल तो स्पॉटेड मतलब मिला पाया गया और स्पॉटिंग मतलब वियरिंग ठीक है वीरे क्या होता है वेंटाइंस डे को हम वीरे कह सकते हैं वैसे आज वीडे भी होता है और उसको आप डिटेल में पढ़ना कि वो क्या होता है तो वेलेंटाइंस डे को भी हम वीडे कह सकते हैं आफ्टर ऑल यू नीड टू कीप दोज नेल्स नीटली ग्रूम्ड एंड ड्रीम्ड रेगुलरली फॉर गुड नेल हेल्थ एंड पॉलिसड अवतार तो हमारे नेल्स अगर नीटली ग्रूम्ड हो नीटली ग्रूम्ड मतलब तैयार होना होता है तो हमारे को हम आई एम जस्ट रेडी और हम बहुत अच्छे से तैयार हों मेकअप वगैरह कर रखे हैं और हम कह एम रेडी उसके जगह पर हम एम ग्रूम्ड कह सकते हैं ना आई सी ऑलवेज कीप हर सेल्फ ग्रूम्ड आई एम नीटली ग्रूम्ड ऐसे यूज़ कर सकते हैं पॉलिस्ड अवतार जब कोई चीज़ नया होता है पहले से लगता है डिफरेंट है अच्छा है तो उसकी जगह अवतार यूज़ करते हैं कोई जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है और उसमें कुछ नई कुछ क्वालिटी आ गई है फंक्शनलिटी आ गई है तो उसको हम कह सकते हैं इनोवेटिव अवतार में आया है ये कोई गर्ल्स ही या कोई मेल ही किसी ने कुछ आज कुछ अलग पहना है सी ही इज़ जस्ट लुकिंग डिफरेंट एंड इन अ डिफरेंट अवतार वो लग रहा है ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं और ये बता रहे हैं कि सो इफ इन द मूड टू गेट योर नेल डेट रेडी या पर डेट रेडी है तो जैसे कि हमारा नील्स कैसा है डेट रेडी है मतलब डेट में जाने लाइक रेडी है तो हमारा क्या यहाँ सिर्फ नील्स के लिए यूज हो सकता है हम ऐसे भी बोल सकते हैं इज़ योर हेयर वेलेंटाइंस डेट रेडी वाई नॉट क्यों नहीं कह सकते है ना इज़ योर ड्रेस वलेंटाइंस डेट रेडी या कोई भी और चीज़ इज़ योर एग्ज़ाम प्रेप इज़ योर एग्ज़ाम प्रेप एग्ज़ामिनेशन रेडी ऐसा कह सकते हैं या मतलब हाँ ये हो सकता है तो कहीं भी किसी चीज़ की तैयारी के लिए प्रेप भी वर्ड यूज़ करो और उस चीज़ के लिए अगर रेडी है माई प्रेप इज एग्जामिनेशन रेडी ये अच्छा सेंटेंस बना तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी भी दिन के लिए पार्टी रेडी किसी भी चीज़ के लिए ठीक है डैट मेक्स योर हार्ट स्कीप अब जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है ना तो इधर हर्ट स्किप इधर हर्ट बिट्स नॉर्मल देन फा, फास्टर देन नॉर्मल या तो हमारा हर्ट ज़्यादा ही धड़कने लग जाएगा या धड़कन रुक जाएगी तो धड़कन रुक जो जाती है एक दो धड़कन मिस कर जाती है जिसको हम कहने में एक्साइटमेंट शो करने के लिए कहते हैं उसके लिए वर्ड है हार्ट अ बिट तो क्या हार्ट अ बिट सिर्फ नेल आर्ट को ही देख कर होगा है किसी के हेयर को देख कर भी तो लग सकता है यो योर हेयर स्टाइल मेक्स माई हर्ट अ बिट उसको भी देखकर लग सकता है किसी के परफॉर्मेंस को किसी के काम को किसी के सक्सेस को देखकर भी ऐसा लग सकता है तो हम किसी को तारीफ भी करना चाहते हैं और उस, उसको हम कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं योर वर्क ना योर क्रिएटिविटी योर पेंटिंग्स जस्ट मेक माय हार्ट स्किप अ स्कीप जैसे भी यूज कर सकते हैं तो आज हमने कौन कौन से वर्ड सीखे ट्राई आउट प्रिपरेशन के लिए प्रेप वेलेंटाइंस डे के लिए वी डे नेल के लिए चैलोन उसके बाद हमने सीखा skip on or skip over key difference spurt sport and then neatly groomed ya groomed avtar or uske heart skip a bit So guys go get date ready keep uh, prepping for your nil nilsaad and also why don't you get yourself prepared for the english Speaking right, okay. Uh, happy video to all of you. Thank you. See you soon.